आज कौन सी मूवी लाए हो? सर जानी दुश्मन एक सपोले की कहानी। ना सपोला उपोला अच्छा नहीं लग रहा यार, एक काम करो इसका नाम रखो एक अनोखी कहानी। सर मूवी शुरू होती है एक शादी से, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो लोगों को जोक सुनाता था, पर जब भी वो जोक सुनाता था लोग सीरियस हो जाते थे। फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ। क्या बकवास है? फिर सर फिर होता है सुहाग रात वाला सीन जिसमें आत्मा स्केलेटन बनकर राजेश को मार देती है। जब वो आत्मा है तो वो तो ऐसे ही मार सकती है, स्केलेटन बनने की क्या जरूरत थी? सर वर्ल्ड क्लास VFX दिखाना है ना। हाँ दिख रहा है, सारा VFX तुमने इसके हाथ और पांव में दे दिया क्या? और ये क्या है, ऐसे मुड़ जाती है बॉडी? ऐसे नहीं मुड़ता क्या? सर फिर जो आत्मा होती है ना वो अपनी आप बीती सुनाती है, उसकी आंखों में कैमरा जूम हो जाता है। मेरे भी कुछ अपने थे। अरे यार अगर ये आत्मा है तो इसकी आंखों की नसें कैसे दिखाई दे रही है? हाँ सर पर मैं ये कौन है? सर ये भी एक कैरेक्टर है, इसका भी रोल है। अभी रुको, अभी बाद में आना, तुम आगे बताओ। सर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दिव्या का कुछ लोग रेप करने की कोशिश करते हैं और उन रेपिस्ट को सजा देने की बजाय दिव्या के दोस्त उनको ये बोलते हैं, कम ऑन यार दिव्या माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। ओह माय गॉड, इतना बुरा हुआ दिव्या के साथ, वो तो बेचारी सदमे में चली गई होगी। रेप को मजाक समझ लिया है तो उसका बॉयफ्रेंड कुछ करता नहीं है? अरे करता है ना सर, देखो कितनी अच्छी पीटी कर रहा है। बंद करो ये नाच गाना। मुझे समझ में नहीं आता तुम ऐसे सीन सोच कैसे लेते हैं। सर मैंने आपको बोला था ना प्यार और बॉलीवुड में सब जायज है। हाँ वो मुझे पता है, आगे बताओ। सर फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारी मूवी का विलेन कपिल द सपोला। पर इतना हाईटेक सूट इसके पास आया कहाँ से? सर क्योंकि इसके पीछे लंबी शॉर्ट स्टोरी। अरे जल्दी ठुमके लगा, आज तो मुझे मैट्रेस वाला सूट चाहिए ही चाहिए, समझी ना? ये तोड़ दिया ए सपोले, दोनों को श्राप देता हूँ मर जाओ जाके। मुझे माफ करना जबरू बाबा, मेरी जगह इस डायन को मार दो, ये मेरे से ज्यादा ठुमके लगाती है कमीनी साली। चाइला तेरे को तो अगले जन्म में बताएगी मैं सपोला कमीना साला। ओए सपोले तू जीत गया, जा मैट्रिक्स वाला सूट ले ले जाके। फिर से आ गया तू, बोला था ना बाद में चल। सर उसके बाद वही दोनों चोमू दिव्या को पकड़ते हैं और इस बार फाइनली रेप कर देते हैं और दिव्या आत्महत्या कर लेती है, और ये सब देखकर जो कपिल होता है वो सर रिवेंज लेने को उतारू हो जाता है। तो कैसे लेता है वो रिवेंज? दोनों को मार देता है? दोनों को सर वो तो पूरी कास्ट को ही सफाया कर देता है। What? हाँ सर कपिल इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि सर वो प्रण लेता है, मैं उन सबको ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले उन सब की रूह कांपेगी। ओह माय गॉड, फिर वो सबको मारता कैसे? सर कपिल कभी लिप टू लिप किस देकर लोगों को मारता था, भीगे होंठ तेरे, और कभी सर लड़की बनके ठुमके लगा के लोगों को मारता था। जानी मन तू खूब है, तू खूब है, तू खूब। बंद करो ये नाच गाना। तो हीरो लोग कुछ करते नहीं उससे बचने के लिए? सर करते हैं ना, वो सर वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल फादर के पास जाते हैं, वो सर दिव्या को बुलाता है अपनी कॉस्मिक पावर से। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या आओ। ये कॉस्मिक पावर कम ठरकी पावर ज्यादा लग रही है। सर फिर अक्षय कुमार जो होता है वो सर दिव्या की आंखों को गोली से उड़ा देता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। तू आ पहले, तेरी कमी थी, बता क्या बताना चाहता है? ये कैरेक्टर भी मरेगा ना मूवी में, बताओ। हाँ सर। इसको ऐसे नहीं मारना, इसको मैं बताऊंगा कैसे मारना है, इसको ना इसको पहले इसके साथ खेलो फिर इसको भगा भगा के मारो। क्या थैंक गॉड सर, ये तो बच जाता है। इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद इस साला बच गया। बंद करो ये नाच गाना। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, पिच मीटिंग पसंद आती है, प्लीज उसे लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करना मत भूलिएगा।